सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पे रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी मात्र एक वर्ष की, और दो वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग, उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़कर के जाना, उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़कर के जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा।